नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके ऑनलाइन हेल्प में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर आप अपना फ़ोटो या आप कोई भी गॉड का इमेज या आप अपना मम्मी पापा का या किसी का भी इमेज कैसे यहां पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो हम पहले से इमेज सेट किए हुए हैं, तो हम इस वीडियो में आपको यही इमेज कैसे सेट करना है इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो भी आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, अगर FM व्हाट्सएप यूज करते होंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए FM व्हाट्सएप है। अगर FM व्हाट्सएप आप यूज नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के वो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस पर आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा और अकाउंट बनाने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर में 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन है FM मोड्स का, आपको FM मोड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही FM मोड्स पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको ऑप्शन आता है यूनिवर्सल का, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं यूनिवर्सल पे आपको क्लिक करना है। यूनिवर्सल पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा कलर्स का, आपको कलर्स पे क्लिक करना है। कलर्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख लीजिए ऑप्शन आपको बैकग्राउंड का दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको 2-3 ऑप्शन आता है, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर और फोटो, आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपके मोबाइल के गैलरी में लेकर के चले जाएगा। तो चलिए हम अपने गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपको जो सा इमेज लेना है उस इमेज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो भी इमेज आप यहां पर सेट करना चाहते हैं उस इमेज को सेलेक्ट करके यहां आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेट वॉलपेपर का, आपको सेट वॉलपेपर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए वॉलपेपर सेट हो चुका है। अब चलिए हम आपको लैब प्रूफ करके बैक करके दिखाते हैं। बैक होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज सेट हो चुका है। तो इसी तरीका से दोस्त आप अपना इमेज या किसी का भी इमेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और इस इमेज को सेट करने के बाद देखिए दोस्तों व्हाट्सअप कुछ अट्रैक्टिव ही लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो में अगर आपको कुछ भी जानकारी मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।